Hey guys, good morning, welcome back to the channel. और मेरा नाम है दीपक और इसका नाम है दीप्ति देवा. Hey guys, good morning, welcome back to the channel. बकरी करो. Hey guys, good morning, welcome back to the channel. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए. मैं भी फिलहाल फर्स्ट क्लास. गुड मॉर्निंग तो बोल दूंगा आप लोगों को. सो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या प्रिपेयर किया. दाल चावल रोटी चटनी और सैलड. इतना आसान नहीं है वीडियो बनाना. देख रहे हो कैसे ब्लैकमेल करके लेके आया हुआ है अंदर. इसका ना फोन और टैब हमने बिल्कुल बंद कर दिया है और इधर पंखा चल रहा है. वापस अंदर जाके बोलती हूँ. और टीवी के लिए भी कुछ घंटे बना दिए कि इतनी देर देखना ही है. सो गाइज, आजकल गट्टू हो गया चटोरा और इसको खाने में पसंद है ये वाली चीजें. मुझे जो है टमाटर प्याज नमक नींबू काला नमक और नमकीन डाल के देना तो खाऊंगा मैं. चट्टो देखते सारा दिन टीवी पिट्टी कर दूंगी. तोड़ दे, हम तो चाहते ही है रिमोट तोड़ दे. सो अगर आप मेरे इस वाले चैनल पर न्यू हो तो मेरे दीप्ति ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये वाला जो ग्रीन फूड कलर वाला चैलेंज होगा वो दीप्ति ब्लॉग पर जाएगा. और बज गए हैं रात के 8 और आई एम हैविंग माई ग्रीन वाला सूप. क्या बताऊं, मतलब टीवी बंद नहीं कर रहा था. इसको लगा कि मम्मी पैकेट खोल रही है. मैंने कहा आवाज कम कर दे. कह रहा मैं बंद ही कर देता हूं. सो मैंने सोचा आप लोगों को खोल के दिखा देती हूं. एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा खुद को एक्साइटमेंट हो रही है कि इसके अंदर आया क्या है. और बहुत टाइम लगा है इस कुरियर को मुझ तक पहुंचने में. इसका नाम है टू प्ले वेस्ट लाइट डिटेक्टर मशीन. ठीक है, मतलब अगर जो सामने वाला बोलेगा ना झूठ तो लगेगा करंट. और ये करंट लगने वाले मेरे पति को सारे. Oh my God! हमको ऐसा लगता है जो नहीं बोलेगा उसको नहीं लगेगा. ओके, इसमें हमको अपना ऐसा हाथ रखना है. दुनिया से स्टार्ट होगी और सारी चीजें अब भी बता दी तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी ना. ड्यू अभी फिलहाल जा तू फटाफट जल्दी नीचे से सामान लेके आ, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम हो गया. दूर नहीं है बिल्कुल भी. जाओ. तो गाइज, अभी ना मैं वॉशरूम में आई थी और जब भी मैं वॉशरूम में आती हूँ तो मैं हमेशा फ़ोन लेकर आती हूँ. और गट्टू ने ना मुझे बाहर से लॉक कर दिया और दीपक गया नीचे सामान लेने के लिए. और मैं इतनी देर से आवाज़ें लगा रही हूँ पर उसे सुनाई नहीं दे रहा. और मैं एक काम करती हूँ, पहले दीपक को कॉल लगाती हूँ फिर बताती हूँ आपको जैसा भी होता है. गट्टू मतलब ये बोल रहा है पर दरवाजा नहीं खोल रहा. गट्टू ओपन द गेट. चलो ये तो ठीक है. सो मैं इससे बात करती रहती हूँ. और मैंने दीपक को कॉल किया तो वो बोल रहे हैं कि मैं मार्केट तक पहुँच गया था और स्कूटी लेके गया. मैं 1-2 मिनट में वापस. गट्टू बेटा, आपने मम्मा को लॉक क्यों किया? कह रहा है मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपने मुझे डांटा है. बेटा अब तो बोल दे, मम्मा नहीं डांटेगी आपको. गट्टू है ना? अच्छा मेरा राजा बेटा, नए टॉयज लोगे? क्या है, मैं नहीं खोल रहा तो मैं नहीं खोल रहा. अच्छा गट्टू, पापा आए क्या? अब मम्मा को पानी पिला दोगे आप? मेरे को लग रहा है कि गेट पे कोई आ गया है, नॉक किया है किसी ने. तूने मम्मी को क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मम्मी ने मुझे डांटा कि बंद कर. रुक जा, खोल के आ रहा हूँ. रुक, बंद भाई. कितनी देर हो गई तेरे को? ये सोच रहे जितनी देर तेरे को हुई है ना, बस तू वहां गए और मैंने गेट लॉक किया और मैं सीधा वॉशरूम में आ गई. सो गई और ये देखा टीवी पे नेट उड़ा दिया. देख कैसे खड़ा. देख वो भाग गया. देख. अरे डर ये लगता है ना कि कुछ अच्छा बालकनी में ना चला जाए, ग्रिल पे ना खड़ा हो जाए. हालांकि हम ना सब बंद करके रखते हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं डर तो लगता ही है. कहाँ है?
छुपके चोर बच्चे क्यों बन गया मम्मी को? बेटा ऐसे बंद नहीं करते, कोई पकड़ के ले जाएगा आपको किसी आपको कोई पकड़ के ले गया। और डर ये भी लगता है कि बच्चा खुद ही गेट खोल के नीचे ना उतर जाए। खैर मतलब ये मुझसे कम्युनिकेट कर रहा था, अगर ये मुझसे कम्युनिकेट नहीं करता ना तो बच्चों का गेट जो है बहुत ज्यादा हल्का है, आई कैन ब्रेक द डोर इजीली। बट बातचीत हो रही थी और दीपक भी आसपास ही था, अदरवाइज तो डेंजरस मामला ही है। एक्चुअली बच्चे ऐसे होते हैं कि ना बच्चे एक सेकंड में क्या कर गए, अगर आप बच्चों पे 24 घंटे भी नजर रख के बैठे हो ना, बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं पता कि वो क्या कर देंगे एक सेकंड में। मतलब इनका वो हाल है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। इधर आप क्यों बेटा ऐसे मम्मा को बंद करते हैं क्या? मम्मा डांटते हैं तो आप गलत सारा दिन टीवी देखोगे तो मम्मा डांटेगी नहीं क्या आपको? हैं तो राजा आवाज कम कर लेते हैं, बट जरूरत से ज्यादा भी तो टीवी नहीं देखना होता ना छोटे बच्चों को, आईज खराब हो जाएंगी। मम्मा ने जो टाइम बनाया हुआ है आपका उस टाइम में देखा करो ना आप टीवी। अब बंद करोगे बेटा, मम्मा का दम घुट जाता तो अंदर ही। अब मत बंद करना ठीक है मेरा बेटा, बहुत प्यारा है ये, वैसे चीजें समझता भी है, बट पता नहीं आज इसको क्या ही हो गया, ऐसा करता नहीं मेरा राजा, बहुत अच्छा बेटा है, अब दोबारा नहीं करेगा। सो बस गाइस आज का ब्लॉग मुझे जहाँ तक लगता है इतना ही काफी था। तेरा बीपी तो नहीं बढ़ गया? नहीं बीपी तो नहीं बढ़ गया, मतलब सच बताऊं मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे तो खैर क्या ही डर लग रहा है, बट बच्चे के लिए मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। कभी कभी ऑफिस में भी होते हैं ना, जैसे वर्किंग पेरेंट्स के साथ है ये, चाहे उनके बच्चे क्रच में है, चाहे डे केयर में है, या फिर किसी मेड के पास है, तो कहीं ना एक दिल में ना जब भी कभी हल्का सा नेगेटिव ख्याल आता है ना, लाइक कभी खाने को लेके कि हमारे बच्चे ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, अभी घर पे कैसा है, मतलब डर रहता है। स्पेशली जब पेरेंट्स दूर हो बच्चों से या घर से बाहर हो, तो मतलब मोर कॉन्शियस कह सकते हैं कि हमेशा बस कम्युनिकेट करते रहेंगे, बेटा खाना खा लिया, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बट वही बात है ना, बच्चों को अगर धूल झोंकनी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और ये एक एक बेनिफिट ये है कि जो नॉन वर्किंग हाउसवाइफ्स होती हैं वो एटलीस्ट बच्चों का ध्यान पूरी तरह से रख सकती हैं, बच्चों के साथ पूरा टाइम बिता सकती हैं। वही है, हर चीज़ के दो पहलू हैं, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। खैर अब हमें पॉजिटिव देखना है हर चीज़ का, बिकॉज ऑलरेडी टाइम जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है। सो ये टाइम पर बिल्कुल भी अपने दिमाग को नेगेटिव नहीं करना है। एवरी टाइम अच्छा पढ़ना, अच्छा खाना, अच्छा देखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।